हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस और हम आप सबके लिए आज बहुत अच्छा दिन है। आज हमारे 5 साल पूरे हो चुके हैं। 2017 में हमने सफ़र स्टार्ट किया था और 2022 में देखो 5 ईयर्स पूरे हो गए। वो क्यों हो पाया? बिकॉज आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो स्लीपी क्लासेस की तरफ से आप सबको थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। आप यही प्यार सपोर्ट हमें देते रहिए और हम आपको अपनी मेहनत से आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे और आपको गाइड करेंगे आपके ड्रीम तक पहुंचने के लिए। ओके, तो आज हमारा डे है सैटरडे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीमिक्स का सैटरडे। ऑल्टरनेट सैटरडेज हमने रखे हैं। लास्ट वीक हमने पढ़ा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सैटरडे हमारा है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो मैंने आप सबसे पूछा था इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे करना है, तो मुझे आप सबके अच्छा फीडबैक मिला। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम ऐसे ही रखेंगे, मंथली वाइज चलेंगे। आज हम थोड़ा सा बेसिक्स कवर करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस जो करंट में चल रहा है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम जनवरी ऑनवर्ड्स स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। ऐसे ही साइंस एंड टेक मुझे अच्छा फीडबैक आया, उसमें हम कैसे करेंगे, हम एक टॉपिक उठाएंगे उसका बेसिक करेंगे, फिर टेक्नोलॉजी देखते रहेंगे। ऐसे हम सारे टॉपिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर कर लेंगे, राइट। करंट अफेयर बेसिक सब कवर होएगा। ओके, तो आज के क्वेश्चंस दोस्तों चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हमें पता है चाइना ताइवान न्यूज़ में है, तो अब हमें इंटरनेशनल रिलेशन कैसे पढ़ना है इंडिया के इम्पैक्ट से। जीएस में इंडिया रिलेशन विद चाइना एंड ताइवान ऐसे आएगा, तो उस पर उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया। देन सेकेंड क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज इतना न्यूज़ में रहता है तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम किया है। और मैंने एक्चुअली इस बार आप मेंस का क्वेश्चन उठा के देखोगे उसमें क्या किया यूपीएससी ने, उसमें डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कब अनाउंस किया था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया, राइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ये भी न्यूज़ में है, एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो एक रीजन न्यूज़ में है तो उसको ध्यान में रख के मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया। फोर्थ, इतने इनिशिएटिव चल रहे होते हैं तो आज हम देख लेते हैं उन इनिशिएटिव्स को कैसे पढ़ना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो ये क्वेश्चन फ्रेम किया उसको ध्यान में रख के। देन लास्टली, अब इंटरनेशनली इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी गवर्नमेंट्स US वगैरह, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, हर कोई चाहता है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है उनमें इनकी से हो, तो वो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया। तो प्लीज़ आप वीडियो पॉज करना और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, प्लीज़ मुझे बताना आपका स्कोर क्या आया और कहाँ प्रॉब्लम आई, ताकि अच्छे से समझ सकूँ मैं भी कि इंटरनेशनल रिलेशन में आपको किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, पहला क्वेश्चन, अब क्या हो रहा है चाइना ताइवान, आपने देखा चाइना ने ताइवान पे अटैक किया, अटैक नहीं किया पर उसको डरा रहा है ताइवान को, तो बेसिकली वो क्यों डरा रहा है, बिकॉज अभी क्या हुआ, चाइना एक पॉलिसी फॉलो करता है वन चाइना पॉलिसी, एक वन चाइना पॉलिसी है और एक है वन चाइना प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ध्यान रखना दो कीवर्ड्स है, प्रिंसिपल एंड पॉलिसी, ये दोनों को मिक्स मत करना, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है। तो वन चाइना पॉलिसी में चाइना क्या बोलता है कि अगर किसी को भी डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना है चाइना के साथ तो वो ताइवान के साथ नहीं रखेगा, तो पहला ऑप्शन सही है। और ये एक्चुअली वन चाइना पॉलिसी किसने प्रोपोगेट की थी, यूएस ने। यूएस बोलता है मेरी वन चाइना पॉलिसी है और मैं रिलेशन रखूंगा चाइना के साथ, नॉट विद ताइवान। पर अभी इशू क्या आया, यूएस ने ही ये वन चाइना पॉलिसी को वायलेट किया, यूएस का स्पीकर ताइवान जाके आया अभी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, चाइना बोल रहे कि वन चाइना पॉलिसी वायलेट हो रही है, तभी चाइना अब वो एक्शंस ले रहा है अगेंस्ट ताइवान, बिकॉज यूएस के अगेंस्ट डायरेक्टली नहीं ले सकता, वो ऑब्वियसली ले रहा था ट्रेड वॉर के थ्रू, पर स्टिल लिमिटेशंस है, इसलिए वो ताइवान को धमका रहा है। तो पहला ऑप्शन सही है। फिर इसी को वन चाइना पॉलिसी को लेकर अगर हम इंडिया का स्टैंड देखें तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है। इंडिया ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कभी भी आप देखोगे मोदी जी की स्टेटमेंट, जैसे अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, इनकी स्टेटमेंट में कभी भी वन चाइना पॉलिसी का मेंशन नहीं होगा, वो हमने 2010 के बाद बंद कर दिया। क्यों? अगर चाइना बोलता है कि ताइवान उसका पार्ट है, तिब्बत उसका पार्ट है, ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं वन चाइना पॉलिसी, इन रिटर्न इंडिया बोलता है कि आप भी हमारी वन इंडिया पॉलिसी एक्सेप्ट करो। अब इंडिया की वन इंडिया पॉलिसी में क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश भी इंडिया का पार्ट है, देन जम्मू कश्मीर भी इंडिया का पार्ट है, तो चाइना को भी ऑफिशियली वो रिकग्नाइज करना चाहिए, पर चाइना वो रिकग्नाइज ही नहीं करता,
चाइना बोलता है अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है, क्लेम कर रहा है उसको कल्चरल रीजंस की वजह से, और जम्मू कश्मीर का भी एरिया ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, जैसे गलवान वैली इशू हुआ था भी रिसेंटली, अक्साई चिन इशूज, ये सब। तो इंडिया ने कहा कि जब तुम ही नहीं रिकग्नाइज करे तो वाई शुड वी रिकग्नाइज वन चाइना पॉलिसी, तो इंडिया ने भी स्टॉप कर दिया। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट इज राइट, देन थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं वन चाइना प्रिंसिपल। देखो आप कई लोगों ने पॉलिसी प्रिंसिपल को मिक्स करके टिक कर दिया गया इसे, पर ऐसा नहीं है, प्रिंसिपल इज डिफरेंट थिंग। प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है, ज्योग्राफिकल एंगल से, कि जो वन चाइना है, देखो ये चाइना, ये ताइवान, तो ये है राइट। तो अब वो क्या बोलता है, वन चाइना प्रिंसिपल में बोलता है जो ज्योग्राफिकल रीजन है चाइना का और ताइवान का, ये सारा एक चाइना का पार्ट है, सिंगल चाइना, वन चाइना प्रिंसिपल में ये बोलता है राइट। और वन चाइना पॉलिसी क्या है, वो डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल एंगल से, वन चाइना प्रिंसिपल ज्योग्राफिकल एंगल से। तो प्लीज़ ये डिफरेंस नोट करना आप, बिकॉज कन्फ्यूजन मत दिखाना और ऐसी छोटी गलतियाँ हो जाती है राइट। बिकॉज अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बन गए तो आप ये मिक्स कर ही नहीं सकते, पॉलिसी प्रिंसिपल ये टर्म का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। तो आंसर क्या है, वन टू एंड थ्री। तो यही एक्सप्लेनेशन में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप रीड कर सकते हो वही सेम चीज राइट। ये कैसे इंडिया का स्टैंड बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वन चाइना पॉलिसी राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन वो बोल रहा है कि एक समिट हुई थी, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट चेंज। एक्चुअली समिट लास्ट ईयर हुई थी बिफोर COP26। COP26 क्या है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 एंड ऑफ UNFCCC राइट। ये क्या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करता है यूनाइटेड नेशन। तो ये कहाँ पे हुई थी लास्ट ईयर, ग्लासगो। तो आपको एक तो लोकेशन पता होनी चाहिए, ग्लासगो समिट था। तो आपने देखा है ग्लासगो समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 5 गोल्स बताए थे जो हम अचीव करेंगे इन दी अपकमिंग ईयर्स, जो इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन होगी टूवर्ड्स दी क्लाइमेट चेंज, ताकि हम रोक सके क्लाइमेट चेंज का टेम्परेचर राइज होने से 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए तो जो वो गोल्स इंडिया अनाउंस करने वाला था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो सारे गोल्स एक बार पहले अनाउंस कर चुके थे, वो प्रेजेंट कर चुके थे कि हम ये अनाउंस करेंगे कहाँ पे, इस समिट में, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये समिट किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, यूनाइटेड नेशन ने नहीं, ये करवाया था US के प्रेजिडेंट ने वर्चुअली, बिकॉज कोविड चल रहा था। तो अब वर्चुअल मीट स्टार्ट हो गई है, तो दो कीवर्ड्स है, वर्चुअल मीट एंड US प्रेजिडेंट, तो पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने प्रेजेंट किए थे 5 कमिटमेंट्स जो इंडिया के होंगे टूवर्ड्स क्लाइमेट एक्शन, जो अनाउंस करेंगे COP26 में। देन थर्ड ऑप्शन, जब भी इंडिया US के साथ पास जाता है तो हमेशा कोई ना कोई क्लाइमेट इनिशिएटिव अनाउंस होता ही है। तो इंडिया ने अनाउंस किया था एक इनिशिएटिव, क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030, जो US के साथ। तो ये तीनों ऑप्शन सही है राइट। तो प्लीज़ ये आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन राइज हो रही है, एंड मोरओवर ये जो UPSC ने नया ट्रेंड लाया है उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाया गया। तो आंसर 1, 2 एंड 3। तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, US प्रेसिडेंट ने कंडक्ट की थी राइट। ग्लासगो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड। तो आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए, UK में बोलते हैं ग्लासगो। देन स्टेटमेंट टू, ये हमारी 5 कमिटमेंट्स है, पता होनी चाहिए आपको। ये लास्ट ईयर UPSC ने मेंस में भी पूछा था डायरेक्टली 5 कमिटमेंट्स किया इंडिया की। एक तो नॉन फॉसिल एनर्जी हम अचीव करेंगे कितना, 500 GW बाई 2030। देन हमारी टोटल एनर्जी कैपेसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी की कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 50%। देन अब हम जो कार्बन रिलीज कर रहे हैं, तो हम क्या करें, वो कार्बन रिड्यूस करेंगे कितना एडिशनल बाई 1 बिलियन टन। देन कार्बन इंटेंसिटी हम रिड्यूस करेंगे कितना बाई 45% राइट। एंड अल्टीमेटली हमारा नेट जीरो कितना होगा, कार्बन इमिशन हम अचीव करेंगे बाई 2070। दैट मीन्स जितना हम कार्बन रिलीज कर रहे हैं उतना ही हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो नेट जीरो कार्बन इमिशन हो गया। तो ये हमारा टारगेट है, तो ये जरूर ध्यान में रखना। ये इनिशिएटिव इंडिया ने जो लिया है, ओके। देन न्यूज़ में अभी आपने देखा होगा इंडिया का क्राइसिस, इंडिया के आसपास क्राइसिस दिखा है नेबरहुड में श्रीलंका। और ये क्या है, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है, श्रीलंका में क्राइसिस दिखा है। तो श्रीलंका के बेसिस पे क्राइसिस में ध्यान में रखते हैं क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, बिकॉज UPSC भी यही करता है, जो कंट्री न्यूज़ में आ गई उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना देता है। तो एलिफेंट न्यूज़, ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये एक्चुअली कहाँ पे है, आप देखोगे श्रीलंका में
एक है, एक यहाँ पे जाफना पेनिनसुला है और ये एक मेनलैंड श्रीलंका, जिसका अपर मेनलैंड जो ये वाला रीजन है, ऊपर वाला रीजन, इसको बोलते हैं वानी, राइट। तो वानी और जाफना पेनिनसुला के बीच में है एलिफेंट पास। तो एलिफेंट, अब इसको कंफ्यूज मत करना, वो पास वो माउंटेन वाला पास नहीं है कि वी हैव ह्यूज माउंटेन्स देन लो हाइट माउंटेन्स, उनको पासेस बोलते हैं, ये वो वाला पास नहीं है। रादर ये पास क्या है, ये क्या है, इस्थमस है। तो मैं आप, तो लेट्स सी कितनी ज्योग्राफी आपको आती है, तो प्लीज़ वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय इस्थमस, देन वीडियो रिज्यूम करना, राइट। ओके, इस्थमस क्या है, बेसिकली वो दो लैंड मासेस को ज्वाइन कर रहा है लार्ज। एक लैंड मास हो गया जाफना पेनिनसुला, एक हो गया मेनलैंड श्रीलंका का जो वानी उसका नॉर्दर्न पार्ट है, तो उसको ज्वाइन कर एक लैंड पोर्शन, बेसिकली ऐसे दिखता है, एक लैंड मास पोर्शन वन, दूसरा लैंड मास पोर्शन टू, तो दो को ज्वाइन कर रहा है, उसको बोलते हैं हम इस्थमस। तो इस इस्थमस का नाम क्या है, एलिफेंट पास। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना। और एलिफेंट पास की सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि ये, अब देखो जाफना पेनिनसुला में जब श्रीलंका में सिविल वॉर हो रहा था, तो जाफना पेनिनसुला में होल्ड किसका था, तमिल टाइगर्स का, LTTE का, राइट। तो पर जब श्रीलंकन आर्मी को डिफीट करना था LTTE को, तो उसको बहुत ज़रूरी था एलिफेंट पास को कैप्चर करना, और जब उन्होंने एलिफेंट पास को कैप्चर कर लिया तब डिफीट ऑफ LTTE वॉज पॉसिबल। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। ओके, तो आप ये रीड कर सकते हो। और एलिफेंट पास के गेटवे टू जाफना, बिकॉज यही पास एक कनेक्ट कर रहा है जाफना पेनिनसुला को मेनलैंड इंडिया से, सॉरी मेनलैंड श्रीलंका से। तो जैसे आप देख सकते हो ये जाफना पेनिनसुला, ये मेनलैंड श्रीलंका, और यहाँ पे एलिफेंट पास, और यही यहीं से ही कनेक्टेड है जाफना पेनिनसुला। ओके, देन फोर्थ, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स और लेड बाय होम। तो अगर हम देखें पहला इनिशिएटिव, अब देखो आज के टाइम में क्या हो रहा है, कॉर्नवॉल कंसेंसस में भी हमने देखा था वो कह क्या रहा था कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। तो हमने देखा जैसे चाइना क्या कर रहा है, चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या उसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको हम बोलते हैं BRI। उसके थ्रू क्या वो कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी शो कर रहा है कि चाइना को हर एक कंट्री से आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होएगा तभी आपकी एक्सपोर्ट मार्केट जनरेट हो सकती है, राइट। तो इसी को काउंटर करने के लिए कॉर्नवॉल कंसेंसस ने भी बोला कि हम भी वो करेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव लेके आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कॉर्नवॉल कंसेंसस ने कौन सा इनिशिएटिव लिया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ओके, तो G7 कॉर्नवॉल कंसेंसस वो क्या लेके आ रहे हैं, बिग बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसको B3W भी बोलते हैं। इसी के रिस्पॉन्स में आके यूरोप कमीशन ने क्या बोला है, यूरोपियन कमीशन ने, कि हम ग्लोबल गेटवे प्लान लेके आएंगे, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करता है। तो पहला ऑप्शन सही है। फिर ऐसी चाइना रिलेटेड और SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों था, बिकॉज इंडिया अभी इसका रिसेंटली लीडर बना था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए ये इनिशिएटिव, जिसको रैड्स भी बोलते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, तो इसका हेड इंडिया बना था, और ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है, SCO का। तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है। देन अभी रिसेंटली सिडनी डायलॉग हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे वहाँ पे, उन्होंने स्पीच वगैरह दी थी। तो ये अब ये किसने कंडक्ट किया है, ये बेसिकली एक ऑस्ट्रेलिया की इंस्टीट्यूट है, ऑस्ट्रेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये उसने कंडक्ट किया है। अगर हम देखें एग्जैक्ट नेम, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, ये इसका इनिशिएटिव है। तो वहाँ पे एक्चुअली हमारे मोदी जी गए थे, और ये एक्चुअली ये था क्या, ये साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे डिस्कशन थी। तो बेसिकली मोदी जी ने कुछ बताए भी थे कि हमें क्या क्या करना चाहिए रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी। तो प्राइम मिनिस्टर के वो जो उन्होंने बोला था यही हमें अचीव करना चाहिए, आप वो टर्म्स यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स वगैरह में भी, राइट। बिकॉज वो क्या शो कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। तो आंसर क्या हो गया, 1 and 2 करेक्ट, 3rd इज रॉन्ग। आई होप आपको अब समझ आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे UPSC पूछ सकती है, राइट। तो ये ध्यान रखना, SCO का जो इंडिया चेयरमैनशिप बना है, चेयरमैनशिप ऑफ काउंसिल, वो कितने टाइम के लिए, 1 year के लिए, 2021 से 2022 तक बना है, और कितने, 1 साल के लिए, ये ध्यान रखना।
तो ऐसे जैसे समिट्स होती रहती है, जैसे अभी G20 समिट होनी है इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में अगर समिट होती है इंडिया चेयरमैन बन रहे, तो यूपीएससी पूछ सकती है कि इंडिया किस किस इनिशिएटिव ग्लोबल इनिशिएटिव का चेयरमैन है या लीड कर रहा है, तो ये आपको एक अलग से पेपर पे लिख लेना आप प्लीज, यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है। ओके लास्ट क्वेश्चन, अटलांटिक चार्टर, ये बेसिकली अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, तो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन हमें कौन कौन से नेशंस मिलते हैं, तो ये यूरोप, यूके, कनाडा एंड यूएसए, तो बेसिकली अटलांटिक ओशन ये है। तो अटलांटिक चार्टर क्या, बेसिकली इट इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन यूएसए एंड यूके, ओनली इन दो के बीच में है, ध्यान रखना, इट इज़ नॉट बिटवीन यूरोपियन पार्लियामेंट एंड यूएसए, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, तो हमारे ऑब्वियसली बी एंड सी वैसे ही कट हो गए, तो टू एंड थ्री में हमें देखना है क्या सही है। देन सेकंड स्टेटमेंट क्या है, चार्टर इज बाइंडिंग ऑन बोथ द रीजन्स, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं मेंशन, तो सेकंड भी रॉन्ग, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, थ्री। तो न्यू चार्टर के इनिशिएटिव क्या है, उसमें एक मेंशन करते हैं कि इकॉनमी हमें क्लाइमेट फ्रेंडली बनानी है और रूल बेस्ड ऑर्डर। ओके तो ये है, तो इसमें अब एनालाइज कैसे करना है, एक तो देखो ओल्ड चार्टर है और न्यू चार्टर, तो उसको ऑब्जर्व करते हैं हम। ओके तो देखो ओल्ड चार्टर क्या कहता है, वो कह रहे हैं कि एक तो टेरिटोरियल चेंजेस विदाउट फ्री कंसेंट ऑफ द पीपल्स, दैट मीन्स वो बात कर रहे हैं सॉवरेनिटी मेंटेन रहे, अगर इंडिया है और चाइना है, हम एक दूसरे की बाउंड्री को कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी भी मेंटेन करें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करें, सॉवरेनिटी भी रिस्पेक्ट करें, तो फर्स्ट ये। देन रिस्पेक्ट एवरी पीपल्स राइट, तो फंडामेंटल राइट भी प्रोवाइड करो सबको। देन प्रमोट इक्वल एक्सेस टू ऑल स्टेट्स, दैट मीन्स इकॉनमी में सबको इक्वल एक्सेस होना चाहिए हर रिसोर्सेज वगैरह के लिए। देन दो देखो, एक हो गया वैल्यूज़ के हिसाब से राइट्स, दूसरा और यू कैन से पॉलिटिकल, एक हो गया सिक्योरिटी एंगल से इंटरनेशनल रिलेशन, थर्ड हो गया इकोनॉमिक एंगल से पॉइंट्स। देखो ये वे होते हैं याद करने के, अगर आप डायमेंशन से ऐड करना स्टार्ट कर दो या एनालाइज करना। फिर ये क्या बोल रहे हैं, प्रमोट वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेशन, वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेशन मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी आप जाके कोलैबोरेट करो, तो इंटरनेशनल पॉइंट आ गया, ये इंटरनेशनल आ गया पॉइंट। देन सोशल पॉइंट हमने देख, सॉरी इकोनॉमिक पॉइंट हम देख चुके हैं, देन हम देख चुके हैं पॉलिटिकल पॉइंट एंड ऑल्सो सिक्योरिटी ऑफ आर बाउंड्री, राइट। देन दिस अगेन, दिस टॉक्स ऑफ सीज शुड बी फ्री, दैट मीन्स फ्री मूवमेंट, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। Then it talks about, it was basically Atlantic Charter during before Second World War था, तो इसलिए it is talking about कि Germany के को tackle करना है, तो इसमें देखो Germany related point भी है। And lastly, अब war हो रहे थे उस time पर, तो obviously there should be peaceful settlement, तो it is promoting peace. So you can use these points in those also, like you must have read, ethics में एक topic है ethics in international relations, तो आप ये points वहाँ भी use कर सकते हो answers में। तो न्यू अटलांटिक चार्टर में क्या क्या चेंजेस है, देखो कंपैरिजन भी आ सकता है। तो चेंजेस क्या है, एक तो वो प्रमोट कर रहा है डेमोक्रेसी कि पॉलिटिकल सेटअप डेमोक्रेटिक, ये कॉर्नवॉल कंसेंसस भी प्रमोट कर रहा था, तो एक आ गया पॉलिटिकल सेटअप। देन सेकंड क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होनी चाहिए, तो ये हमने पुराने में भी देखा था, तो ये सिमिलर पॉइंट आ गया इंटरनेशनल लेवल पे। देन सॉवरेनिटी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी प्रमोट कर रहा है, ये हमने ओल्ड में भी देखा था, तो ये भी सिमिलर पॉइंट आ गया। देन अब इसमें नया पॉइंट क्या है, प्रमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज आज की इकॉनमी क्या है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, सो इट इज़ अ टेक्नोलॉजी लेड इकॉनमी, तो यहाँ पे नया पॉइंट क्या आ गया, इट इज़ टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, जो उसमें मेंशन नहीं था, तो ये पॉइंट ऑब्जर्व करना। देन इसमें क्या कह रहे हैं, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन कलेक्टिव सिक्योरिटी, अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब हमें इंडिविजुअल होकर अपनी खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना, रादर कंट्रीज आपस में मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करे और कोई कॉमन एनिमी आइडेंटिफाई करे और उसके अगेंस्ट एक्शंस ले, तो ताकि क्या है, अगर इंडिया पे अटैक हो रहा है तो चाइना पे अटैक नहीं हो रहा, पर चाइना इंडिया को फिर भी सपोर्ट कर रहा है किसी और एनमी से, तो ये कह रहा है। देन इट इज ऑल्सो सेइंग, बिकॉज अब रशियन यूक्रेन क्राइसिस आ गया, हमने देखा यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स शट डाउन कर दिए थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट, पर रशिया ने अब कैप्चर कर लिया, तो फिर से एक थ्रेट है कि शायद रशिया रिवाइव कर दे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, और न्यूक्लियर वेपन्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्रीज ही हो रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग, तो थ्रू दिस न्यू अटलांटिक चार्टर उन्होंने कहा कि नाटो फोर्सेस वुड स्टिल बी रेलिवेंट फॉर थ्रेट अगेंस्ट द न्यूक्लियर फोर्सेस, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो पहले भी था अब भी है। देन इट इज टॉकिंग अबाउट, अब देखो इसमें इकॉनमी क्या कह रहा है, इकॉनमी शुड बी क्लाइमेट फ्रेंडली, तो अब इसमें एक नया डायमेंशन ऐड कर दिया, एक ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली इकॉनमी, तो ये इसमें एक चेंज है, क्लाइमेट चेंज ये भी एक नया पॉइंट आ गया इसमें।
देन हेल्थ सिस्टम पे, बिकॉज कोविड हो चुका है तो हेल्थ पे भी फोकस करना है. तो देखो, तो ऐसे कंपेयर करना है. अब इसमें हेल्थ का डायमेंशन आ गया, इन्वायरमेंट का डायमेंशन आ गया, टेक्नोलॉजी का डायमेंशन आ गया, राइट. ये तीन नए डायमेंशन आए हैं. बाकी देखो, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स हैं. तो ये कंपैरिजन भी आ सकता है ओल्ड एंड न्यू का. तो प्लीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखना. ओके, ये वही चार्टर इज नॉन बाइंडिंग ऑन बोथ, राइट. ओके ओके फ्रेंड्स, आई होप आईआर के क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगे, आपको नॉलेज मिली, एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी आया. तो आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट है. आपको पता है स्लीपी क्लासेस के 5 ईयर्स हो रहे हैं, तो हम इसी मौके का हमने उठाया फ़ायदा. आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है. हम ला रहे हैं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो होंगे टोटल 30 टेस्ट. इन 30 टेस्ट में क्या होएगा, पहले हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल क्वेश्चंस कवर होंगे, आपका बेसिक बिल्ड होएगा. तो फुल लेंथ हमने जैसे एक पॉलिटी है उसको 2 टेस्ट में डिवाइड कर दिया, ज्योग्राफी को 2 टेस्ट में डिवाइड कर दिया. तो पहले आपके फंडामेंटल टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद हम एडवांस लेवल पे मूव करेंगे, जिसमें ये हर सब्जेक्ट का एक फुल लेंथ टेस्ट होएगा. पहले क्या होगा, 2 हाफ लेंथ टेस्ट फॉर ईच. देन लास्टली हम क्या रखेंगे, फुल लेंथ टेस्ट जिसमें पूरा सिलेबस होएगा. तो इसमें हम मूव करेंगे, ये अराउंड 10 पेपर्स होंगे. और इन बिटवीन हम क्या रखेंगे, रिवीजन क्लासेस भी रखेंगे, रिवीजन टेस्ट सॉरी, जिसमें हम करंट अफेयर भी कवर करते रहेंगे. तो कॉम्प्रिहेंसिवली आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर सब कवर हो रहा है. आपको हर तरह के पैटर्न टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, असर्शन रीजन, पेयरिंग बेस्ड, मल्टी स्टेटमेंट्स, मल्टी ऑप्शन, जैसे भी आपको यूपीएससी में मिलते हैं. तो आपको यूपीएससी टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे. देन उसी में ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे एंड फैक्चुअल भी होंगे. तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपकी होगी, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल आप यूपीएससी पूछना स्टार्ट हो गया जैसे पॉलिटी में. तो आप हमारी पोर्टल पर जाके देख सकते हो, एनरोल करो. तो हमारी टेस्ट सीरीज की कॉस्ट क्या रहेगी, 4500 है. पर अगर आप अर्ली एनरोल करते हो तो आप कोड यूज़ कर सकते हो 15 अगस्त, और 15 अगस्त से आपको 1000 रुपीज़ का ऑफ पड़ेगा, और आपको कॉस्ट पड़ेगी 3500. तो आपको ये कॉस्ट मिलेगी, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है. तो अगर आप 15 अगस्त कोड यूज़ करोगे तो प्लीज़ आप जाके देखो पोर्टल पे. और एक और टू गेट अ फेयर आइडिया कि आपको टेस्ट कैसे मिलेंगे, बिकॉज डाउट सबके मन में होता है. तो हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे. तो आपको क्या हम देंगे, आपको जो फर्स्ट टेस्ट होएगा, फर्स्ट टेस्ट हमारा पॉलिटी का है, पॉलिटी का फर्स्ट हाफ ऑफ सिलेबस. तो उसमें वो हम ओपन टेस्ट रख रहे हैं. तो आप हमारे पोर्टल पे एनरोल करो और टेस्ट को सॉल्व करो, तब आपको आइडिया लगेगा कि बाकी फ्यूचर के टेस्ट कैसे आएंगे. ओके, एंड आपके जो भी फीडबैक्स होंगे वो अकोमोडेट होंगे उन टेस्ट में, फ्यूचर टेस्ट में भी. ये आपका डिमांड ओरिएंटेड इनिशिएटिव है, तो प्लीज़ आप जाओ और देखो. ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. I hope this session was really helpful to you, and I again congratulate to you and to whole of Sleepy Classes team for the 5 years achievement. And obviously we will keep working hard, join hands together, and we will move ahead for to achieve more achievements, right? Okay, thank you so much.